सावन के महीने में हरिद्वार से कावड़ लाने का रिवाज बहुत ही पुराना है। हर साल काफी संख्या में लोग हरिद्वार से कावड़ लाकर अपने अपने गांव या शहर में शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगते हैं। लेकिन इस बार कावड़ लाने का तरीका कुछ अलग ही है। इस बार कावड़ के साथ साथ तिरंगे को भी साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि कावड़ यात्रा के साथ तिरंगा यात्रा भी की जा रही है। वहीं पर शिव भक्तों का कहना है कि तिरंगा जो है हमारी देश की आन और शान है, इसलिए हम तिरंगे को लेकर चल रहे हैं। यह कावड़ यात्रा के साथ साथ तिरंगा यात्रा भी है, क्योंकि हमारे वीर सैनिकों ने इस तिरंगे की खातिर ही देश के लिए बलिदान दिया है। यह कावड़ यात्रा उन्हीं को समर्पित है। उन्होंने कहा कि उनकी पुरानी आस्था से जुड़ा हुआ है और वह हर साल इसी तरह से कावड़ लेकर आते हैं और जब तक उन्हें सांस है तब तक वह इसी प्रकार से कावड़ लेकर आते रहेंगे। जगह जगह पर कावड़ लाने वाले शिव भक्तों के लिए शिविर लगाए गए हैं, जहां पर इनकी पूरी सेवा की जाती है तथा किसी प्रकार भी किसी को दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मन की भावना जी, अपने मन की भावना के इच्छा के अनुसार हम आए साल जाते हैं कावड़ लेने के लिए। बोले बाबा को इसी तरह लाते हैं नाच दे कूद दे। तो कितना लंबा सफर है अपना? ये 160 के करीब पड़ेगा जी। तो पैदल आए हो आप? पैदल आए। जय बोले की तो हमारी आस्था है ही है, साथ में देश प्रेम के लिए तिरंगे के आस्था है, इसलिए हम तिरंगे को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो बार से तिरंगे को साथ लेकर चले हैं। अच्छा, तो अपना यात्रा भी निकाल रहे हैं, बोले के साथ साथ तिरंगे की यात्रा भी निकाल रहे हैं। जल लेके आए जी, हमारी ये खड़ी कावड़ है जी, हम इसमें खड़े ही रहते हैं। तो हम चले थे वहाँ से 27 तारीख को निकले थे वहाँ से। 3 दिन में हमने सफर तय किया, बहुत आनंद आता है। हम तो बोले के फैन हैं, हर सामने में जाते हैं हर वर्ष, और आगे से भी जब तक कोशिश रहेगी जिंदगी रहेगी तो जाएंगे, जाना नहीं छोड़ेंगे वहाँ पर। जय बजरंग बली की जय। चेक करो वीर बजरंग अपना यहाँ हर साल की तरह इस साल भी सामण में ही लगाते हैं और कावड़ियों की बड़ी अच्छी सेवा करते हैं प्रभु कृपा के हिसाब से। और यहाँ रोटी का रहने का पूरा अरेंजमेंट है, किसी कावड़ को कोई तंगी नहीं, दवाई का भी अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो कोई कम जो है ना तंगी नहीं आने देते किसी भी किस्म के। तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।